just about to reach Kuala Lumpur, and look at this. Now I will be in KL Airport for around 4.5-5 hours, and after that I will be heading back home to Mumbai. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है अभी, और मुझे टर्मिनल एम पहुंचना है फॉर माय नेक्स्ट फ्लाइट. नाउ आई डोंट नो हाउ टू गेट टू टर्मिनल एम, सो आई एम गोइंग टू ईदर आस्क अराउंड और फिगर आउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. सो दिस इज मोर ऑफ एन एलैबोरेट डिपार्चर इंफॉर्मेशन थिंग. सो आई हैव टू गो ऑन G10, जिसके लिए मुझे लेनी पड़ेगी एरो ट्रेन. अब मुझे नहीं पता कि एरो ट्रेन लेके वहाँ पे क्या अवेलेबल होगा. आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होगा, लेकिन पहले मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है भाई, अदरवाइज आई विल बी इन अ मेस. मेरा फ़ोन 30% पे, मुझे शूट भी करना है, मुझे फ़ोन कॉल्स भी करने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है. सो लेट मी फाइंड आउट मैं यहाँ पे फ़ोन कहाँ चार्ज कर सकती हूँ. तो पहले मैं अपना फ़ोन चार्ज करती हूँ, उसके बाद ओके आई थिंक आई हैव टू गो टू G Gates, एंड G Gate के लिए मुझे एरो ट्रेन लेनी पड़ेगी, जो मैं अभी नहीं लेने वाली. आई फर्स्ट हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. हो रही है एरो ट्रेन, बाद में लेंगे. आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. मुंबई कहीं दिख ही नहीं रहा है. आई कॉन्ट रिजिस्ट माई सेल्फ, लुक व्हाट आई फाउंड. अरे यार, इट्स अ जंगल वॉक इन द मिडल ऑफ एन एयरपोर्ट. हाउ नाइस, ब्यूटिफुल. It's called Clea Jungle Boardwalk, and it's so pretty. Yeah, pictures lena to banta hai. Absolutely. Airport ke beech of beech greenery. I'm so excited. चलो भाई, बहुत पोज मार लिया, अब चलें और फ़ोन चार्ज करें. बट जगह बड़ी खूबसूरत है और खाली जगह कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेली हूँ. एंड आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट. मैं ऐसी जगह बड़ी पसंद आती है, मिडल ऑफ द एयरपोर्ट जंगल. ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं यहाँ फंस गई हूँ क्योंकि यहाँ का एग्जिट गेट नहीं खुल रहा है और एंट्री गेट भी नहीं खुल रहा है. हाउ डू आई गेट आउट? इट सेज एग्जिट ओनली, लुक एट दिस, सी एग्जिट ओनली, बट ये खुल ही नहीं रहा है दरवाजा भाई. Like a true Indian, I had to force open the darwaza. Ridiculous. Absolutely ridiculous. Okay, time to charge my phone. It's dying. So, aero trains ho rahi hain upgrade. So, ab mujhe jana padega bus mein. So, mujhe jana hai C5. C5 se ek level niche, uske baad ek bus milegi aur wahin pe charging station hai. Kyunki yahan pe to aurat ko samajh hi nahi aa raha ki mujhe kya chahiye. Bewakoof. मुझे लग रहा है कि मुझे कन्वर्टर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है फोन चार्ज करने का. डैम इट, $11 को मैंने आग लगाया है क्योंकि
मुझे फाइनली चार्जिंग केबल का वो दुकान तो मिल गई और मैंने $11 की केबल भी खरीदी। और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि स्टारबक्स पे इंडियन चार्जर्स काम करते हैं। और मैं स्टारबक्स पे बैठी, कुछ 40 मिनट कुछ ऑर्डर नहीं किया और मैंने चार्ज कर लिया अपना फ़ोन। सो नाउ आई एम हेडिंग टू माई गेट एंड नाउ आई विल सी व्हाट आई एम गोइंग टू ईट। स्टारबक्स से मैंने कुछ इसीलिए ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मुझे स्टारबक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट इट। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई सम ओल्ड टाउन वाइट कॉफी। आधे ज़्यादा चीज़ें सोल्ड आउट है ओल्ड टाउन कैफे में, तो ओल्ड टाउन वाइट कॉफ़ी में सॉरी। तो मैं देखती हूँ कहाँ जाके खाना खाऊँ मैं। ये बड़ी इरिटेटिंग चीज होती है। अच्छा मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, या तो मैं अच्छे टर्मिनल पे नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे ज़्यादा ईटरीज नहीं दिख रही मुझे, बहुत लिमिटेड ईटरीज हैं। देयर इज़ नो फूड कोर्ट एज सच, तो दिक्कत है। मैं बहुत क्रिप करती हूँ ना, रोहित बोलेगा हाँ मुझे खाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, मुझे वापस स्टारबक्स जाना पड़ रहा है, अब फिर लाइन में खड़े हो। शिट मैन, इतनी लंबी लाइन है देखो। कितना क्यूट है यार ये लड़का, साइकिल कमी नहीं, मेरा व्यू खराब कर रही है। हट जा हट जा, मुझे प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि मैं अपनी शूट कर रही हूँ। पीछे से भी कितना गुड लुकिंग है ये लड़का। पलट पलट, आई होप अपनी बहन के साथ खड़ा है, गर्लफ्रेंड भी होगी तो मैं क्या ही बिगाड़ लूँगी। आई फाउंड समथिंग रियली फनी। हम हिंदी में टॉयलेट को संडास बोलते हैं, ये टंडास बोलते हैं। Next touchdown will be Mumbai.